लेक्चर नंबर 33 से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज करने लगे हैं। लेक्चर अब मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ चंद एमसीक्यूज सॉल्व करवाऊंगा। सबसे पहले इस लेक्चर में बात की गई है ओरिएंटेबल सरफेस की, डिटेल के साथ आपको समझाया गया है। कुछ एग्जांपल्स आपको याद रखनी है ओरिएंटेबल सरफेसेस नहीं की, उनमें एक मोबियस स्ट्रिप है, क्लाइंस बॉटल है, हाइपरप्लेन है, ये ऐसी सर्फिसज हैं जो ओरिएंटेबल नहीं हैं, जिनकी एक साइड है। दिखने में लगता है कि दो साइड्स हैं, लेकिन एक साइड से वॉक करते करते जो आपको दूसरी साइड लग रही होती है उस पर पहुंच जाते हैं, तो हम कहते हैं दो साइड्स हैं ही नहीं, इनकी एक साइड है। इसके अलावा ज़्यादातर आपने जितनी भी सर्फिसज पढ़ी हैं वो सारी की सारी ओरिएंटेबल सर्फिसज हैं, उनकी दो साइड्स हैं। मिसाल के तौर पर आपने स्फीयर पढ़ा है, स्फीयर में या तो आप बाहर की तरफ हो सकते हैं या अंदर की तरफ हो सकते हैं, एक साइड से वॉक करते करते दूसरी साइड पर जाना पॉसिबल नहीं होता है। चंद एमसीक्यूज करते हैं। सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओरिएंटेबल सरफेस, कौन सी सरफेस ओरिएंटेबल नहीं है। आपको याद रखना है सिलेंडर ओरिएंटेबल है, कोन ओरिएंटेबल है, हाइपरप्लेन ओरिएंटेबल नहीं है, स्फीयर भी ओरिएंटेबल है, तो कौन सी सरफेस ओरिएंटेबल नहीं है। हाइपरप्लेन जो है वो ओरिएंटेबल नहीं है। हमने तीन ही ऐसी सर्फेस पढ़ी हैं जो ओरिएंटेबल नहीं है, एक क्लाइन बॉटल, एक हाइपरप्लेन और एक मोबियस स्ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ओरिएंटेबल, ओरिएंटेबल कौन सी है। वही तीन सर्फेस छोड़ दें, बाकी सारी ओरिएंटेबल हैं। हाइपरप्लेन ओरिएंटेबल नहीं है, सिलेंडर ओरिएंटेबल है, इसकी दो साइड्स होती हैं, मोबियस स्ट्रिप ओरिएंटेबल नहीं है, कोन कोन की भी दो साइड्स होती हैं, लेकिन कोन हमारी सरफेस ही नहीं होती अनलेस के हम कोन में से वर्टेक्स को ना एक्सक्लूड कर दें। याद रहे हमने कहा था कोन हमारी डेफिनेशन के मुताबिक सरफेस उस वक्त बनेगी जब हम इसमें से इस वर्टेक्स को एक्सक्लूड करेंगे, तो कोन तो सरफेस ही नहीं है। तो करेक्ट चॉइस कौन सी है, ऑप्शन सी सिलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज टू साइड्स, किसकी दो साइड्स हैं। सिलेंडर, जी बिल्कुल सिलेंडर की दो साइड्स होती हैं। अगर आपके पास ये सिलेंडर है, इन्फिनिट सिलेंडर होता है, इसकी बाहर वाली साइड या अंदर वाली साइड, आप वॉक करते करते बाहर से अंदर नहीं जा सकते और अंदर से बाहर नहीं आ सकते, ये इन्फिनिट इसकी हाइट होती है। मोबियस स्ट्रिप हम देख चुके कि इसकी एक साइड होती है, क्लाइन बोतल की भी एक साइड होती है, हाइपरप्लेन की भी एक साइड होती है, तो दो साइड्स किसकी होती हैं, सिलेंडर की दो साइड्स होती हैं। सिलेंडर कार्टियन प्रोडक्ट है। कार्टियन प्रोडक्ट का मतलब आपको याद होगा, अगर हम कहें ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी में क्या होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, जिनमें से एक एलिमेंट सेट ए का होता है और दूसरा एलिमेंट सेट बी का होता है। अगर हम बात करें सिलेंडर की, सिलेंडर जो है इस तरह की शेप है, इसमें बेसिकली एक इंटरवल और दूसरा सर्कल S1 इन दोनों के कार्टियन प्रोडक्ट से बनता है। इसका हर पॉइंट लाइन पर भी है और सर्कल पर भी है, ये लाइन और सर्कल के क्रॉस प्रोडक्ट से बन रहा है। आई से मुराद मेरी लाइन इंटरवल है, इंटरवल जो है वो कॉमनली ओपन इंटरवल 0-1 होता है, लेकिन इसको आप पूरी रियल लाइन भी ले सकते हैं, ये होमियोमॉर्फिक होता है रियल लाइन के। तो I क्रॉस S1 से हमारे पास बनता है सिलेंडर, I क्रॉस S1 से, ये हमारी करेक्ट चॉइस है। I क्रॉस I जो है, अगर मैं I इंटरवल लूँ 0-1 और 0-1, तो I क्रॉस I इंटरवल से मेरे पास बनता है ये ओपन रेक्टेंगुलर बॉक्स, अगर आई ओपन इंटरवल लिया है। अगर आई क्लोज इंटरवल लिया है तो क्लोज रेक्टेंगुलर बॉक्स बन जाता है। एस वन क्रॉस एस वन से अगर सर्कल का सर्कल के साथ कार्टियन प्रोडक्ट लें, आपने लेक्चर को देखा होगा, टॉरस जो है वो बेसिकली एस वन क्रॉस एस वन है। टॉरस का हर पॉइंट दो सर्कल्स की मदद से हासिल हो सकता है। और आई क्रॉस एस टू जो है ये कोई वेल नोन कार्टियन प्रोडक्ट नहीं है। I क्रॉस S2 का मतलब है स्फीयर और इंटरवल का कार्टियन प्रोडक्ट। लेक्चर 33 को जिस वक्त आप पढ़ रहे होंगे,
तो एक जगह जिक्र हुआ है कि आर इज़ होमियोमॉर्फिक टू, आर जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो होमियोमॉर्फिक है। अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बात की है, जो सेट ऑफ रियल नंबर्स है वो होमियोमॉर्फिक होता है ओपन इंटरवल 0-1 के, बल्कि जनरली होमियोमॉर्फिक होता है किसी भी ओपन इंटरवल ए बी के, बल्कि स्पेशली तौर पे हम आर को होमियोमॉर्फिक बड़ी आसानी के साथ प्रूव कर सकते हैं -π/2 से π/2 वाले इंटरवल के। और इसके लिए हम फंक्शन डिफाइन किया करते हैं टेनेंट एक्स वाला, या फंक्शन डिफाइन किया करते हैं टेनेंट इनवर्स एक्स वाला। आर को इनमें से किसी एक फंक्शन की मदद से, टेंजेंट एक्स या टेंजेंट इनवर्स की मदद से, हम आर को -π/2 से π/2 के होमियोमॉर्फिक प्रूफ कर सकते हैं। आपको याद होगा अगर फर्स्ट ईयर में आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है -π/2 और π/2, इसके दरमियान दरमियान टेंजेंट एक्स का ग्राफ होता है, तो -π/2 से π/2 से सारे रियल नंबर हासिल हो जाते हैं, सारे रियल नंबर से -π/2 से π/2 हासिल हो जाता है। तो आर को आसानी से इन दो में से किसी एक फंक्शन की मदद से -π/2 π/2 इंटरवल के होमियोमॉर्फिक प्रूव कर सकते हैं, और कोई से भी दो ओपन इंटरवल्स हमेशा होमियोमॉर्फिक होते हैं। तो बेसिकली आर ओपन इंटरवल 0-1 के होमियोमॉर्फिक होता है। यहाँ पर चॉइस हमारी सी है, ए नहीं हो सकती, आर एक ओपन सेट है और 0-1 एक क्लोज सेट है। जब कोई दो सेट टोपोलॉजिकल स्पेस में होमियोमॉर्फिक होते हैं तो वो या दोनों ओपन होते हैं या दोनों क्लोज होते हैं। बी भी नहीं हो सकता, ये एक साइड से क्लोज्ड है, और डी भी नहीं है, ये भी क्लोज सेट है, ये भी होमियोमॉर्फिक नहीं है। बी भी क्लोज सेट है, होमियोमॉर्फिक नहीं है, ओपन इंटरवल जो है वो रियल लाइंस के होमियोमॉर्फिक हैं। इस एमसीक्यू में उसने एक फंक्शन दिया है तो डिफाइन किया है -π/2 से π/2 वाले ओपन इंटरवल से आर के ऊपर, और फार्मूला है इसका एफ ऑफ एक्स इक्वल है टेनेंट एक्स के। बताना ये है कि ये 1-1 है, ऑन 2 है, होमियोमॉर्फिज्म है या बाइजेक्टिव है। ये जो फंक्शन है -π/2 से π/2 से आर के ऊपर, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, ये एक होमियोमॉर्फिज्म है। जब ये होमियोमॉर्फिज्म है तो ये ऑब्वियसली 1-1 भी है, ऑन टू भी है, बाइजेक्टिव भी है, बल्कि कंटिन्यूस भी है। लेकिन ये सारी चॉइसेस सही होने के बावजूद आपने क्लिक कौन सी करनी है, होमियोमॉर्फिज्म। और मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जब एक से ज़्यादा चॉइसेस करेक्ट होंगी तो आप उनमें से वो वाली चॉइस सेलेक्ट करेंगे जिसकी सिलेक्शन से ऑटोमेटिकली बाकी भी सिलेक्ट हो रही हों। और यहाँ होमियोमॉर्फिज्म ले लेने से वो 1-1 भी है, वो ऑन टू भी है, वो बाइजेक्टिव भी है, तो होमियोमॉर्फिज्म करेक्ट चॉइस है यहाँ पर हमारी। नेक्स्ट एमसीक्यू में वो पूछ ये रहा है कि इन कार्टियन प्रोडक्ट में से कौन सा कार्टियन प्रोडक्ट जो है वो टॉरस है। अभी मैंने आपको बताया था टॉरस जो है वो बेसिकली कार्टियन प्रोडक्ट है दो सर्कल्स का। अगर आप लेक्चर देखें, लेक्चर के अंदर क्लियरली एक्सप्लेन किया गया है कि दो सर्कल्स के कार्टियन प्रोडक्ट से क्या बन जाती है, टॉरस बन जाती है। और हमारी करेक्ट चॉइस जो है वो ऑप्शन सी हमारी करेक्ट चॉइस है। मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि आई क्रॉस आई क्या है, आई क्रॉस एस वन क्या है और आई क्रॉस एस टू क्या है। आई क्रॉस एस टू मैंने बताया था कोई वेल नोन कार्टियन प्रोडक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कह रहा है टिक करें उस सरफेस को जो कनेक्टेड नहीं है। किस सरफेस को टिक करना है? उस सरफेस को टिक करना है जो कनेक्टेड नहीं है। उस सरफेस को टिक करना है जो कनेक्टेड नहीं है। शेप देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ऐसी सरफेस जिसमें सारे पॉइंट्स आपस में ज्वाइन हो सकते हैं वो कनेक्टेड सरफेस है, और नहीं हो सकते ज्वाइन आपस में तो फिर वो डिसकनेक्टेड सरफेस है। और हमने सरफेस पढ़ी थी प्रीवियस लेक्चर में, और इस लेक्चर में हमने देखा है कि कनेक्टेड सरफेस क्या होती है। तो यहाँ पर इन सरफेस को स्केच करके देख लेते हैं कि कनेक्टेड है या नहीं है। अगर आपको याद है, आपको याद रखना है, ये जो है हमारे पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है, वन शीट हाइपरबोलाइड है। नाम से भी क्लियर हो रहा है इसकी एक शीट है, शेप भी अगर आपको याद हो तो इस तरह की शेप बनी थी, टैम्बोरिन जैसी।
सारे पॉइंट्स कनेक्ट हुए हुए हैं, तो ये नॉट कनेक्टेड वाली सरफेस नहीं है। सेकंड जो बी पार्ट में उसने सरफेस दी है वो हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट है। मैंने आपको कहा था याद रखना है एक प्लस और दो माइनस हो तो टू शीट वाला है, दो प्लस और एक माइनस हो तो वन शीट वाला है। हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट जो है वो कुछ इस तरह के दो पीसेस बनते हैं। तो ये हमारी सरफेस जो है ये फिर कनेक्टेड सरफेस नहीं है, ये हमारी चॉइस है। सी पार्ट में बात है सिलेंडर की, और सिलेंडर आपको मालूम है इसमें कहीं दो शेप्स नहीं है, दो पार्ट्स नहीं है, ये कनेक्टेड सरफेस है, यानी ये भी हमारी चॉइस नहीं है। डी पार्ट में बात है आसानी से आपको अब तक याद हो जानी चाहिए, ये सरफेस स्फीयर है और स्फीयर के भी दो पार्ट्स नहीं है, ये भी नॉट कनेक्टेड सरफेस नहीं है। तो नॉट कनेक्टेड सरफेस कौन सी है? हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट, यहाँ पर पार्ट बी जो है वो हमारी करेक्ट ऑप्शन है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, चूज द कनेक्टेड सरफेस, कनेक्टेड सरफेस चूज करनी है। पहली जो है हमारे पास हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट है, अभी हमने देखा है हाइपरबोलाइड ऑफ वन शीट जो है ये कनेक्टेड सरफेस है, तो यही हमारी करेक्ट ऑप्शन है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं, ये हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट है, एक प्लस का और दो माइनस के। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो, पार्ट डी में एक माइनस और दो प्लस हैं लेकिन इसकी राइट पर भी माइनस है, राइट को प्लस बनाने के से दो माइनस आ जाएंगे, तो ये भी हाइपरबोलाइड ऑफ टू शीट ही है और ये भी हमारी चॉइस नहीं है। और जो सी पार्ट है ये क्या है? हाइपरबोलिक सिलेंडर है। जब भी दो वेरिएबल्स होते हैं मैंने कहा था सिलेंडर बनता है, और ये हाइपरबोलिक सिलेंडर बन रहा है। हाइपरबोला इस तरह का होता है, इसके ऊपर स्टैक कर लें मजीद हाइपरबोलास तो दो पीसेस के अंदर हाइपरबोलिक सिलेंडर बनेगा हमारे पास, ये भी कनेक्टेड सरफेस नहीं है। तो कनेक्टेड सरफेस इनमें से पार्ट ए है हमारे पास। तो मैंने आपको कुछ MCQs करवाए हैं, बाकी लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, इसी तरह से मैं बाकी जो लेक्चर्स रह गए हैं उनमें से भी कुछ MCQs आपको करवा दूँगा। और आज के लिए इतना ही।